और टैक्स जो है, एक फैक्ट्री है जिस पर तीन तीन चार चार टैक्स लगते हैं, हम लोगों का पूंजी अब समाप्त हो रहा है, नहीं बनेगा तो सरकार के उसका जिम्मेदारी, तो हम नहीं है कि कैसे वो घर बनवाएगी। कोई भी संविधान में ऐसा नहीं है कि आप उसको टैक्स को दुगना करने का, तो ये प्रधानमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए, मगर धरातल से जब जुड़े रहते हैं तो ये परिस्थिति लागू ही नहीं करते। वो सरकार का जो रेट है उससे हम लोग हर चीज में ज्यादा देते हैं। रात हम लोग प्रोडक्शन बंद कर देंगे, बिक्री बंद कर देंगे अनिश्चित काल सरकार के खिलाफ। कामे जब हम कामे नहीं देंगे तो भूखे मरबे ना करेगा वो। आगे हम लोग दिल्ली के लिए हम लोग तैयारी करेंगे, जब वहाँ जाने के लिए वहाँ जंतर मंतर पर हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, राजधानी पटना में जितने भी ईंट निर्माता है, भट्टा के ओनर है, वो अब राजधानी पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंच गए। और मेरे पीछे की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, जहां तक आपकी नजरें जाएगी वहां तक जो भी ईंट निर्माता है और मजदूर है वो सब पहुंचे हैं। देखिए, हमारे साथ कुछ मालिक हैं जो ईंट निर्माता है। क्या हो गया सर, क्या हो गया कि आज आपको धरना पर बैठना पड़ा? देख रहे हैं परिस्थिति हम लोगों के सामने। GST टैक्स बढ़ा दिया गया, कोयला का टैक्स बढ़ा दिया गया, और टैक्स जो है, एक फैक्ट्री है जिस पर तीन तीन चार चार टैक्स लगते हैं, हम लोगों का पूंजी अब समाप्त हो रहा है। तो फिर घर कैसे बनेगा सबका, ऑफिस कैसे बनेगा सरकार? नहीं बनेगा तो सरकार के उसका जिम्मेदारी, तो हम नहीं है हम उसका जिम्मेदारी, तो हम नहीं है, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है कि कैसे वो घर बनवाएगी। अब हम लोग नहीं सकेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। यदि हमारी बात को सरकार सुनती है तो हम लोग अपना फिर उसी रवैया पर चलेंगे। GST बढ़ने से और कोयला का जो आप लोगों का मामला है उसको बढ़ने से क्या क्या दिक्कत आप लोगों को? सबसे बड़ा है कि हम लोग के पास पूंजी ही नहीं रहेगा। अच्छा। GST एक डबल कर दिया जाए, कभी भी कहीं कोई भी संविधान में ऐसा नहीं है कि आप उसको टैक्स को दुगना करने का, तो ये प्रधानमंत्री जी को खुद सोचना चाहिए कि हाँ जी जो हम कर रहे हैं ये लागू तो कर किए हैं, यह बहुत ही अनुचित है। कोयला का भी दाम वैसे ही बढ़ा दिए, GST का दाम वैसे ही बढ़ा दिए, तो इसमें है क्या? इस उद्योग को असल जमीन धरती से तो कहते हैं कि हम जुड़े हुए हैं, मगर धरातल से जब जुड़े रहते हैं तो ये परिस्थिति लागू ही नहीं करते। वो उनको तो खुद सोचना चाहिए कि इसमें इतना निम्न क्लास का जो आदमी काम करता है, लेबर मजदूर जो काम करता है, वो आपका आप उसको रोजगार दे सकते हैं? सरकार का जो रेट है उससे हम लोग हर चीज में ज्यादा देते हैं। अनस्किल्ड आदमी को 12,000-14,000 रुपया दे सकते हैं, उनके यहाँ कंप्यूटर पर जो काम करता है उसको देते हैं 12,000, हम लोग देते हैं 14,000 रुपया, 15,000 रुपया। एक भट्टा पर स्टाफ है जो 20,000 रुपया तक देते हैं तनखा। कह रहे थे कि अब बंद करने की नौबत आ जाएगी आप लोग? हाँ, तो बंद आई आई जाएगी। क्या कुछ दिक्कतें होती थी अगर GST बढ़ गया तो, क्या क्या दिक्कतों का सामना आप लोगों को? दिक्कत का कि प्रोडक्शन कॉस्ट इतना भाग गया है कि हम लोग का रेट नहीं मिल रहा है, लागत मूल नहीं मिल रहा है, समझिए। ये एक चैन सिस्टम रोजगार है, जो कि अगर लीज पर हम भट्टे लेते हैं किन्हीं को, उनको चलाएं चाहे चलाएं, घोटा लगे चाहे कुछ नफा लगे, लेकिन उनको साल में सालाना लीज देना पड़ता है। और लेबर का कॉन्ट्रैक्ट एडवांस के थ्रू होता है, एक सीजन का, उसे भी चलाना पड़ता है, नहीं तो लेबर फिर फैक्ट्री में भाग जाएगा। ये कुटीर उद्योग है, लेकिन फैक्ट्री में वो सिर्फ अपने जाएगा, उसके इसमें पारिवारिक रूप से आके खटता है इसमें भट्टे पे। तो यहाँ पर पटना के जो भी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच गए, कब तक यहाँ पे बैठना है? अभी 4 बजे तक हम लोग का, हाँ 4 बजे तक ऑर्डर है। हम लोग अगर नहीं मानेगी तो आगे क्या कुछ? आगे भी हम लोग बिक्री पूरे इंडिया का एक दिन ईंट बिक्री बंद कर जाएंगे, बंद कर देंगे। हाँ, बंद कर देंगे। हमारी अगर मांग पूरी नहीं हो रहा तो हम लोग प्रोडक्शन बंद कर देंगे, बिक्री बंद कर देंगे अनिश्चित काल सरकार के खिलाफ। उसको भी बिक्री बंद करेंगे। बिहार में सरकार बनी है महागठबंधन की, बिहार सरकार आप लोगों को मदद कर रही है कि नहीं? हाँ, करेगी, आश्वासन भी मिला है। अच्छा, मिला। हाल ही में रामानंद बाबू का अभिनंदन भी करने जा रहे हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, माइनिंग। कब तक यहाँ पर डटे रहना है सर? शाम 4 बजे तक, आज। आज अगर आज सरकार नहीं मानेगी तो आगे क्या कुछ रणनीति आप लोग? ईंट में बिक्री बंद कर देंगे, ईटा बनना ही बंद हो जाएगा, बनना ही बंद हो। चलिए, तो ये तमाम लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे, हम और भी लोगों से बात करेंगे। कब तक यहाँ पर डटे रहना है आप? 4 बजे तक हम लोग डटे रहेंगे। आगे क्या कुछ रणनीति होगी अगर सरकार नहीं माने? क्या सरकार अगर ना माने आपकी बातों को? जो रहेंगे इस पर, जंतर मंतर चले जाइए, चलना रहेंगे।
गए हुए हैं, एक मरतबे वो पहुँचे हुए हैं वहाँ पर। वहाँ से मिलने क्या मिला? आश्वासन मिला, मगर आश्वासन का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। अब प्रधानमंत्री जी सोचेंगे तब ना। क्यों नहीं सुन रहे प्रधानमंत्री? अरे आप देख नहीं रहे कि कितना किसान मर गया, कितना किसान धरना देकर मर गया। आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोगों के अंदर जो मजदूर काम करता है उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। जब हम कामें नहीं देंगे तो भूखे मरवे ना करेगा वो। चलिए तो ये तमाम जो लोग हैं कब तक यहाँ पर डटे रहना है? हम लोग यहाँ तक 4 बजे 5 बजे तक हम लोग डटे रहेंगे यहाँ पर। हम लोग यहाँ से एक दिवसीय धरना है, हम लोग आज रहेंगे 5 बजे तक रहेंगे हम लोग। आगे क्या कुछ रणनीति होगी, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कि जंतर मंतर पे भी जा चुके आप लोगों के द्वारा, लेकिन वहाँ से भी सिर्फ आश्वासन मिला, तो अगर सरकार कुछ नहीं सुनेगी तो आगे आप लोग क्या? आगे हम लोग दिल्ली के लिए हम लोग तैयारी करेंगे जब वहाँ जाने के लिए, वहाँ जंतर मंतर पर हम लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए तो ये पटना के तमाम ईंट निर्माता हैं जो आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुँचे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार से खासकर, कि GST जिस तरीके से बढ़ी है उसे अब कम किया जाए और कोयले को लेकर भी इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर ये सब कम नहीं होगी तो ईंट भट्टा बंद हो जाएगा और ईंट का जो निर्माण है वो भी बिहार में ठप कर दी जाएगी। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से क्या कुछ इस पर कार्रवाई होती है, क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने आती है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।